गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गोस्वामी। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस की सेंटेंस, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का मतलब वे सेंटेंस जो टेंस को शो करते हैं, उनको किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज वॉइस ऑफ अ वर्ब, ठीक है ना। ठीक है, व्हाट इज वॉइस ऑफ अ वर्ब, ठीक है ना, कि क्रिया की वॉइस इसे कहते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए इसका आंसर है द वॉइस ऑफ अ वर्ब एक्सप्रेसेस वेदर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस has performed or revived the action, ठीक है ना। The voice of a verb express whether the subject in the sentence has performed and revived the action, यानी जिसके अंदर कर्ता जो है वह पूर्ण रूप से अपनी प्रतिक्रिया का वर्णन करता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए द वॉचमैन ओपन द डोर, द वॉचमैन ओपन्स द डोर। देखो हमने यहां क्या लिखा है, ओपन्स। अब बेटा हम टेंस पढ़ चुके हैं और इस चीज को हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि ये एस और ई एस का प्रयोग क्यों हुआ, क्यों हुआ बता सकते हैं आप लोग? वेरी गुड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो द डोर इज ओपन्ड बाय द वॉचमैन, द डोर इज ओपन्ड बाय द वॉचमैन, ठीक है ना। इसका मतलब ये पैसिव में लिखा गया है और हमेशा ध्यान रखना पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट को जो है वो प्राथमिकता दी जाती है। द सेंटेंस इज स्टार्टेड विद ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम यहां बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉइसेस ऑफ वर्ब, ठीक है ना, कि वर्ब की कितनी वॉइस होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वर्ब, फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पैसिव वॉइस। यानी वर्ब की दो वॉइस होती है, एक एक्टिव वॉइस और दूसरी पैसिव वॉइस, ठीक है। अब हम एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं उसके बारे में आप ध्यान दीजिए, ठीक है। एक्टिव वॉइस, व्हेन एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, व्हेन एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, जब कोई एक्शन सब्जेक्ट को परफॉर्म करता है इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, किसके द्वारा, उस वर्ब क्रिया के द्वारा, इट इज एन एक्टिव वॉइस, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे। एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन मोर स्ट्रेंथ फॉरवर्ड रिलेशन एंड क्लेरिफाई इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी हुई है, ध्यान से सुनिए वापस। Active voice is used when more straightforward relation and clarify is required between the subject and the verb. Active voice उसे कहते हैं जब सीधे तौर पर कर्ता का क्रिया से जो है सीधा संबंध दर्शाया जाए, या कर्ता और क्रिया के बीच में संबंध को स्थापित किया जाए, उसे हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? फिर बात करते हैं सेकंड पैसिव वॉइस की। ध्यान देना, पैसिव वॉइस में व्हेन द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, जब कोई एक्शन वर्ब के द्वारा एक्सप्रेस्ड किया जाता है, इज रिवाइव्ड बाय द सब्जेक्ट,
इज रिवाइव बाय द सब्जेक्ट इट इज पैसिव वॉइस, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट को रिवाइव करके दर्शाती है, वर्ब वही है, ठीक है ना, ठीक वर्ब वही है, ठीक है। देखो अगर एक्टिव वॉइस है तो परफॉर्म करवाएगी और पैसिव वॉइस है तो रिवाइव करवाएगी, यानी उल्टा करवाएगी। आप सीधे तौर पर अगर ये जानना चाहें तो आप कह सकते हैं अ सेंटेंस विच स्टार्टेड विद सब्जेक्ट इज पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस एंड अ सेंटेंस विच स्टार्टेड विद ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द डूअर, डूअर का मतलब काम को करने वाला, ऑफ द एक्शन इज नॉट नोन एंड द फोकस ऑफ द सेंटेंस इज ऑन द एक्शन एंड नॉट द सब्जेक्ट। ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सी बात लिखी है इसने, मैं वापस पढ़ रहा हूँ। पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द डूअर इज doer of the action is not known and the focus of the sentence is on the action and not the subject। कहने का मतलब कि कर्ता का इसमें मुख्य रूप से कोई जो है वो प्रदर्शन नहीं होता है, ठीक है ना। सीधे तौर पर कार्य को करने वाले या कार्य जिस पर किया जा रहा है उसको प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना। जैसे देखिए एक्टिव वॉइस के अंदर जो सेंटेंस है वो इस तरह से लिखे जाएंगे, एग्जांपल की तरफ ध्यान दीजिए। हैंस लेज एग्स, मुर्गी अंडे देती है। बर्ड्स बिल्ड नेट्स, पक्षी घोंसले बनाते हैं। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, एग्स आर लेड बाय हैंस, ठीक है ना, एग्स जो है वो मुर्गियों के द्वारा दिए जाते हैं एंड नेक्स्ट आर बिल्ड बाय बर्ड्स और घोंसले जो है वो पक्षियों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या चेंजेस है, This is started with an a subject and this is started with an object। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं, है ना। इसमें भी देखिए this sentence is started with subject and this sentence is started with an object, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है ये सेंटेंस चेंज होते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं ना कर्ता प्रधान वाक्य एक्टिव वॉइस और कर्म प्रधान वाक्य पैसिव वॉइस, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स फॉर कन्वर्शन ऑफ सेंटेंस, कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्यों का बदलाव होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। अब जो मैं आपको एक टेबल जो है बताने जा रहा हूँ, आपको उस टेबल को अपनी नोटबुक के अंदर वैसा का वैसा बनाना है, ठीक है ना। इसके अलावा होमवर्क भी है, लेकिन होमवर्क से पहले इम्पोर्टेंस है उस टेबल पर, ठीक है बेटा। तो अब हम आगे चलते हैं कि हाउ टू चेंज द सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब देखिए इस टेबल को, ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल सी टेबल है। सबसे पहले टेंस, फिर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस, ठीक है। अब देखो टेंस, मैंने 10 टाइप्स के सेंटेंस लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, फिर पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट,
उसके बाद में मॉडल और मॉडल जो है वो परफेक्ट। देखिए अब आप कहेंगे सर बाकी के टेंस, तो ध्यान से सुनिएगा, चार प्रकार के टेंस का पैसिव नहीं बनता है, ये हमने सिक्स्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो इन चार टेंसेस की जो है वो पैसिव नहीं बनते हैं, ठीक है। अब हम इस टेबल को समझते हैं कि ये कैसे जो है सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बदला, ठीक है। उससे पहले आपको अपने जो टेंस आपने जो पढ़े हैं उनको आपको अच्छी तरह से मेमोराइज करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले भी कहता आया हूँ और अब भी कहता रहूँगा कि जब तक बच्चों के टेंस क्लियर नहीं होंगे ना तो उन्हें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में आएगा, ठीक है, और न ही उन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। यानी आप ये सोच लीजिए कि 60-70% ग्रामर का जो पार्ट है वो आपके टेंस पर टिका हुआ है। आप सेंटेंस जो है मेकिंग का जो काम करोगे वो भी टेंस के बिना पूरा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल में देखिए एक्टिव वॉइस का पहला वाक्य देखिए, मिस्टी मेक्स अ केक, मिस्टी मेक्स अ केक, मिस्टी केक बनाती है, ठीक है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये देखिए सब्जेक्ट क्या है, मिस्टी, और केक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, ऑब्जेक्ट को। तो अ केक, अब अच्छा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल की पैसिव में सहायक क्रिया कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज, आर और एम। ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या आया, इज। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा अ केक इज, और मेक की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना इसमें। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है, और जो डूअर है काम को जो करने वाला है उसके साथ में हम बी वाई बाय का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, मिस्टी मेक्स अ केक, तो यह सेंटेंस बन गया अ केक इज मेड बाय मिस्टी, अ केक इज मेड बाय मिस्टी, ठीक है। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा, मिस्टी इज मेकिंग, मिस्टी इज मेकिंग अ केक, ठीक है। तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, अ केक इज। अब ये कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। तो इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। पैसिव का रूल हमें क्या कहता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, आईएनजी, बीइंग। तो ये हो जाएगा अ केक इज बीइंग मेड बाय मिस्टी, है ना। कितना सिंपल हो गया सेंटेंस, मिस्टी इज मेकिंग अ केक, मिस्टी केक बना रही है, अ केक इज बीइंग मेड बाय मिस्टी, केक जो है वो मिस्टी के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो कितना चेंज है, है ना। सेंटेंस देखो, सेंटेंस का पैटर्न चेंज हो जाएगा लेकिन उसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी, ये पैसिव की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रेजेंट परफेक्ट,
आप सब जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो मिस्टी हैज मेड अ केक. तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ केक हैज. अब हैज को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए इसलिए क्या आ गया, बी. और पैसिव को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो क्या आ गया बेटा, मेड. तो अ केक हैज बीन मेड बाय मिस्टी, है ना, समझ में आ रहा है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना. तो वापस सुन लीजिए, मिस्टी हैज मेड अ केक, अ केक हैज बीन मेड बाय मिस्टी, है ना. तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट. अब हम बात करते हैं पास्ट की, ठीक है. अब देखिए पास्ट सिंपल हम सब जानते हैं, पास्ट सिंपल जो है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, सेकंड फॉर्म, वेरी गुड. तो ये एकमात्र टेंस है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है ना, बाकी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहीं नहीं होता है, ठीक है. तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है. तो मिस्टी मेड अ केक, तो इसका पैसिव बन जाएगा अ केक वॉज मेड बाय मिस्टी, अ केक वॉज मेड बाय मिस्टी, क्लियर. अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की करते हैं, इसमें भी आप सब जानते हैं वॉज वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना, हाँ, यानी पास्ट में भी काम का जारी रहना, ठीक है ना, द एक्शन इज गोइंग इन द टाइम ऑफ पास्ट. तो मिस्टी वॉज मेकिंग अ केक, मिस्टी केक बना रही थी, तो इसका हो जाएगा अ केक वॉज बीइंग मेड बाय मिस्टी, अ केक वॉज बीइंग मेड बाय मिस्टी, केक जो है वो मिस्टी द्वारा बनाया जा रहा था. देखो कितना चेंजेस आ गया, है ना. अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, ठीक है ना, समझ आया बेटा ये दोनों. अब पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, देखिए ध्यान से देखना, पास्ट परफेक्ट में आप सब जानते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है ना. तो यहां पे भी आपको उसी तरह से हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है. तो मिस्टी हैड मेड अ केक, मिस्टी हैड मेड अ केक, तो इसका पैसिव बन जाएगा अ केक हैड बीन मेड बाय मिस्टी, अ केक हैड बीन मेड बाय मिस्टी, समझ में आ गया. हाँ, जिस तरह से हैज वाला सेंटेंस चेंज हुआ था उसी तरह से हैड वाला सेंटेंस जो है वो चेंज होगा. तो इस तरह से हमने सीखा कि प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं, ठीक है बेटा. अभी भी कोई डाउट हो तो आप जो है क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है ना. इन दोनों टेंसेस के अंदर जहाँ तक मुझे लग रहा है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. अब हम आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की. अब फ्यूचर सिंपल में आप सब जानते हैं, फ्यूचर सिंपल में विल और शैल वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म. ध्यान रखना मैं ये वो बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए पैसिव बनाते समय विल और शैल के साथ क्या आ जाएगा, बी ई, क्या आ जाएगा, बी ई, सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना. तो हम पहले फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं. मिस्टी विल मेक अ केक, मिस्टी केक बनाएगी, ठीक है. तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो वही
ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब है वो और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो कैसे, अ केक विल बी मेड बाय मिस्टी, अ केक विल बी मेड बाय मिस्टी, ठीक है ना। विल के साथ क्या आ गया, बी फर्स्ट फॉर्म और पैसिव के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में देखिए मिस्टी विल हैव मेड अ केक। अब आप सब जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट के अंदर जो है वो विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। तो मिस्टी विल हैव मेड अ केक, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो वही कर्ता के स्थान पे कर्म, कर्म के स्थान पे कर्ता, दी गई सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, और जो डूअर है या जो सब्जेक्ट है उसके साथ बाय का प्रयोग, ठीक है। तो अ केक विल हैव बीन मेड बाय मिस्टी, देखो कितना सिंपल हो गया है ना। अ केक विल हैव बीन मेड बाय मिस्टी, है ना, तो बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात करते हैं मॉडल्स के सेंटेंस की। तो मॉडल का सेंटेंस जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना है, कोई भी मॉडल है उसके साथ में बी ई लगा दो और फिर उस सेंटेंस को लिख दो, वो पैसिव में बन जाएगा। बस सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट का यूज करना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। आगे चलें तो देखिए मॉडल का सेंटेंस कैसे बनता है। मिस्टी मस्ट मेक अ केक, मिस्टी मस्ट मेक अ केक, है ना। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ केक मस्ट बी, अ केक मस्ट बी मेड बाय मिस्टी, अ केक मस्ट बी मेड बाय मिस्टी, ठीक है। अब मॉडल जो परफेक्ट मॉडल परफेक्ट का होता है, ठीक है ना, आप कह सकते हो पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो देखिए मिस्टी शुड हैव मेड अ केक, मिस्टी शुड हैव मेड अ केक, तो हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन जाएगा अ केक शुड हैव बीन मेड बाय मिस्टी, अ केक शुड हैव बीन मेड बाय मिस्टी। आगे समझ में आ रहा है, कितना इजी है, ओके। तो इस तरह से ये जो सेंटेंसेस हैं ये चेंज होंगे, ठीक है ना। तो हमने 10 टाइप्स के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए आगे काम किया। अब मैं आपको इसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब इन्हीं सेंटेंस को अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो वे उसी तरह से जो है वो पैसिव वॉइस में भी चेंज होते रहेंगे और उनकी हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगी जो इसमें बताई गई है, ठीक है ना। हो सके तो ट्राई करना आप लोग, हाँ बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। अगर आपने टेंस के सेंटेंस को अफर्मेटिव को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदलना सीख लिया है तो आपको पैसिव के सेंटेंस बदलने में कोई नहीं रोक सकता, इट्स माय गारंटी, ठीक है। अब मुख्य बात करते हैं, ठीक है ना, वो है हमारा होमवर्क, ठीक है। हाँ ये जब आता है ना तो बच्चे थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, ओए सर होमवर्क, और बेटा होमवर्क आज थोड़ा ज़्यादा है, 40 सेंटेंसेस बनेंगे,
है ना। हाँ, अब देखो कैसे, चेंज दिस सेंटेंस इनटू ऑल टेंसेस एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अभी जो हमने सारणी देखी ना, उसके अकॉर्डिंग सारणी बना के नहीं लिखना है आपको, अपने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस बनाए, एक्टिव बनाया, पैसिव बनाया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस वही एक्टिव पैसिव बनाया, ऐसे कैसे, ठीक है ना। जैसे देखो, प्रेक्षा कुक्स फूड, प्रेक्षा खाना बनाती है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, फूड इज मेड बाय प्रेक्षा, सॉरी फूड इज कुक्ड बाय प्रेक्षा, ठीक है। अब कंटिन्यूअस में बदलो, प्रेक्षा इज कुकिंग फूड, तो इसका हो जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड बाय प्रेक्षा। आ रहा समझ में, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करो इसको, प्रेक्षा हैज कुक्ड फूड, तो इसका हो जाएगा फूड हैज बीन कुक्ड बाय प्रेक्षा, है ना। अब पास्ट में बदलो, प्रेक्षा कुक्ड फूड, तो क्या हो जाएगा फूड वॉज कुक्ड बाय प्रेक्षा, है ना। देखो चेंज हो रहे ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस में प्रेक्षा वॉज कुकिंग फूड, ठीक है ना, तो फूड वॉज बीन कुक्ड बाय प्रेक्षा, है ना। फिर पास्ट परफेक्ट, प्रेक्षा हैड कुक्ड फूड, तो इसका हो जाएगा फूड हैड बीन कुक्ड बाय प्रेक्षा, है ना। तो प्रेजेंट और पास्ट हो गया, अब इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करें, ठीक है, प्रेक्षा विल कुक फूड, ठीक है ना। तो इसको जब वापस पैसिव बनाएंगे तो फूड विल बी कुक्ड बाय प्रेक्षा, है ना। फिर फ्यूचर परफेक्ट में प्रेक्षा विल हैव कुक्ड फूड, तो इसका जब हम पैसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय प्रेक्षा। आया बेटा समझ में, हाँ ठीक है ना। अब इसको अपन मॉडल में चेंज करें तो हम बड़े इजीली मॉडल में इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, प्रेक्षा कैन कुक फूड, प्रेक्षा खाना बना सकती है, तो हम जब इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फूड कैन बी कुक्ड बाय प्रेक्षा, है ना। हाँ बहुत सिंपल है। अब हम अगर मॉडल परफेक्ट की बात करें तो देखो क्या होगा, प्रेक्षा शुड हैव कुक, प्रेक्षा शुड हैव कुक्ड फूड, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फूड शुड हैव बीन कुक्ड बाय प्रेक्षा, है ना। तो देखिए कितना इजी, मैंने आपके सामने अभी 10 सेंटेंस बनाए और उन 10 के 10 सेंटेंस को वापस पैसिव में कन्वर्ट भी किए, ठीक है ना। ध्यान से सुनते रहना, अब उसी तरह से आपको इन 3 सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है, ठीक है। द टीचर टीचेज मी, तो इसका पैसिव बना दो, फिर एक इसका एक पैसिव बना दो, आई एम टॉट बाय द टीचर, आई एम टॉट बाय द टीचर, अब आप बनाते रहना बाकी वाले। देखो अमित रीड्स अ बुक, तो इसका भी मैं बना देता हूँ, अ बुक इज रीड बाय अमित, है ना। वी प्ले अ मैच, ठीक है ना, तो अ मैच इज प्लेड
बाय अस, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे प्रोनाउन थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसी सेंटेंस को आगे कन्वर्ट करिए, करते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।